आज मैं खानदान के लिए खुदा के मकसद पर आपसे बात करना चाहता हूँ मैं यहाँ से खानदान से मुतालिक चंद ख़यालात का आगाज करने को हूँ मैं समझता हूँ कि खानदानी जिंदगी हमारे लिए निहायत ही अहमियत की हामिल है और खानदानों के लिए खुदा का एक खास मकसद है सबसे पहले हमें खुदा के हतमी मकसद को जानने की जरूरत है जब मैंने मसीह को जाना तो सबसे पहली बात जो मेरी जिंदगी में वकूफ़ पजीर हुई वो ये थी की मैंने अपने मकसद और मानी पाए वो मकसद और माना क्या थे खुदा का हमारी जिंदगी में एक खास मकसद ये है की खुदा ऐसी अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी ताकत से प्यार करें और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करें ये है जिंदगी का मकसद और जब हम ये दो काम करते हैं तो फिर हम वही करते हैं जिसके लिए खुदा ने हमें खल्क किया अब जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसने उसे अकेला नहीं बनाया बल्कि मर्द वन बनाए यानी जोड़ा जोड़ा बनाए जो एक जैसे थे लेकिन मुख्तलिफ भी थे उसने उन्हें इकट्ठा रखा और वो दो यानी मर्द जन एक हो गए और ये अज्दवाजी ताल्लुक था वो दोनों एक हो गए और आगे बढ़ने लगे हम देखते हैं कि इस दुनिया के लिए खुदा का मकसद खानदान के जरिए तादाद को बढ़ाना था वो चाहता था कि सारी जमीन ऐसे लोगों से मामूर हो जाए जो उसको जानते हों और उसके साथ चलते हों। यही बात उसने अब्राहम से कही कि जब उसने ये कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और उसने कहा मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा लिहाजा खुदा का मकसद ये था कि इस दुनिया में लोग ही लोग हों अब हम जानते हैं कि इंसान ने ऐसा नहीं किया हम जानते हैं कि इंसान ने गुनाह किया हम सब ने गुनाह किया हम सब अपनी अपनी राहों को फिरे हम हकीकत में उसके मकसद को जान ना पाए यही सब था कि यीशु मसीह आया और हमारे गुनाहों के लिए मर गया यही सब है कि जब हम उसको जान जाते हैं तो वही करना शुरू कर देते हैं जिसके लिए उसने हमें बनाया है कि हम वो काम करें एक बात यह है कि खुदा हम सबको खानदान के तौर पर रखता है और खानदान ही के वसीला से हम जानते हैं कि ना सिर्फ खुदा से प्यार किया जाए बल्कि ये कि दूसरों से भी प्यार करें खुदा ने मुझे बीवी दी और वो बहुत ही जबरदस्त खातून है जिंदगी में मैं जिन लोगों से मिला हूँ उनमें वो निहायत ही अजीम खातून है लेकिन हम में फर्क भी हैं। खुदा ने मुझे सिखाया कि मैं उससे कैसे प्यार करूं, अपने बच्चों से कैसे प्यार करूं, और इसके अलावा हमारा खानदान भी है कि ना सिर्फ हमने ये सीखा कि खुदा से प्यार किया जाए बल्कि ये भी कि एक दूसरे से भी प्यार किया जाए क्या कोई ऐसी बात है जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखी हो जिससे आप दूसरों से मोहब्बत करना सीख रहे हों यकीनन उसने हमें खानदान दिए हैं कोई कह सकता है कि वो यतीम है या उसकी शादी नहीं हुई तो सुनिए खुदा आपको अपने हतमी मकसद के लिए बुलाता है ये मकसद क्या है खुदा को और दूसरे लोगों को प्यार करना अगर आपका शौहर नहीं और आपके वालिदन भी नहीं तो भी आपको खुदा से और दूसरे लोगों से प्यार करना है यही तो हकीकत है हम में से वो लोग जिनके खानदान हैं, खुदा हमें सिखाता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ क्यों कर मोहब्बत करें हमारा शोहर हो हमारी बीवी हो या हमारे बच्चे हो सकते हैं आपके खानदान में सब इसमें शामिल है लिहाजा खुदा से और दूसरे लोगों से मोहब्बत करना सीखें और यूँ आप उसका मकसद पूरा करेंगे